पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान में एक नशा तस्कर को काबू किया गया है। पुलिस ने आरोपी नशा तस्कर के कब्जे से 6.7 ग्राम चिट्टा व 158 नशीले प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए हैं। जिला कांगड़ा के अंतर्गत एसपी विमुक्त रंजन के दिशा निर्देश पर शुरू नशा विरोधी अभियान के तहत आज जामटल पुलिस ने सुघेड़ गाँव में गश्त के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है। डीएसपी ज्ञान चंद्र ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने एसपी विमुक्त रंजन के दिशा निर्देश पर इलाके में नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए जोरदार अभियान चला रखा है। इसी के तहत आज जामटल के एएसआई कुलदीप चंद अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। इस दौरान एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा तो पुलिस ने उसकी भागने की कोशिश नाकाम करते हुए उसे धर दबोचा। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 6.7 ग्राम चिट्टा व 158 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर चिट्टा व कैप्सूल को जब्त कर लिया। जी सर बताइए सर, आज आपने जो सफलता हासिल की है नशे कैप्सूल और चिट्टा पकड़ा है जी, इसके बारे में बताइए आप। इसमें हमारे जो एएसआई कुलदीप चंद है, इनके जो गश्त में हमारी टीम थी, तो उस टीम में जब जैसे ही वो गाँव जो है संगेड़ के पास गश्त कर रही थी, तो एक व्यक्ति जब पुलिस की गाड़ी को देख के भागने लगा तो उन्हें गाड़ी रोक कर एकदम उसे मतलब कर्मचारियों की मदद से उसे धर दबोचा। और जब उसके बाद जो है जब उसकी तलाशी ली गई और जब देखा गया तो उसकी तलाशी में उसके पास से 158 रेडले कैप्सूल निकले और साथ में नशीले जो नारकोटिक में निषेध है, और दूसरा साथ में उसके पास चिट्टा जो हीरोइन जो है 6.7 ग्राम वो बरामद की गई। उसे मतलब पुलिस ने कब्जा में लिया और साथ में उसे कैंडिडेट को जो है ये करण लोधी को सन ऑफ मोहन लाल को गिरफ्तार किया गया। और गांव इसका जो है खन्ना है और ये हरिपुर इसका पोस्ट ऑफिस और जो तहसील है और खालसा और साथ में जिला जलंधर है। इसकी उम्र जो है 24 साल है, ये पंजाब का रहने वाला है। ये अपने ससुराल के पास यहाँ ये इस धंधे को कर रहा था। इससे पहले ये इसी काम में संलिप्त है जी? ये पहले भी ये करता रहा है। इससे पहले कितने केस यहाँ चले हुए हैं? इसके पहले भी यहाँ तो इसका केस नहीं है, लेकिन ये है कि ये सम्मिलित मतलब संदिग्ध पाया जा रहा था लेकिन हाथ नहीं आ रहा था। जैसा अभी आपकी जो ये नाके जो भी गश्त है ये आपकी आगे कंटिन्यू जारी रहेगी? ये हमारी जो गश्त है वो आगे भी हमारे जो एसएसपी विमुक्त रंजन जी हैं उनके आदेश अनुसार जो है आगे भी जारी रहेगी। और ये जो नशे की धरपकड़ का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा, क्योंकि नशे के खिलाफ जो है अभियान और भी तेज कर दिया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।